गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे, अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम है प्रदीप विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्लास 11 कक्षा 11 पीजी पायस इंटर कॉलेज, चैप्टर 1 माइस्ट्रोगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। माइस्ट्रोगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, जिसको लिखा है बीटी वॉशिंगटन, बुकर टी वॉशिंगटन। ये वॉशिंगटन के रहने वाले थे। आइए शुरू करते हैं। बीटी वॉशिंगटन एक बहुत ही गरीब परिवार का साधारण सा बच्चा था। जब वो एक छोटा सा लड़का था तो इतना गरीब था कि उसकी माता उसको पढ़ा नहीं सकती थी। वो स्कूल नहीं जाता था, दूसरे अपने मित्रों की तरह वो स्कूल नहीं जा सकता था, क्योंकि स्कूल की फीस पे करने के लिए उसकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। वो एक कोयले की खान में काम करता था। एक कोयले की खान में काम करते करते उसका शरीर काला हो चुका था, क्योंकि वो एक निग्रो था। निग्रो समझते हैं? जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी काले होते हैं, तो वहां भी एक ये प्रजाति थी जिनको निग्रो कहा जाता था अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर। तो क्या था? इसका नाम बीटी वॉशिंगटन था और ये जाति से निग्रो था, इसलिए शरीर से काला था। दूसरा कोयले की खान में काम करता था तो वैसे ही काला हो चुका था। बात करते हैं इसके बारे में। जब ये कोयले की खान में काम कर रहा था तो अचानक इसने दो दूसरे व्यक्तियों को एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जहां पर इस प्रजाति के बच्चों को शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जाती थी। इसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं भी उस विद्यालय में जाऊं, क्यों ना मैं भी शिक्षा ग्रहण करूं। लेकिन बीटी वॉशिंगटन के लिए यह बहुत बड़ा काम था। क्या वो जा सकता था? नहीं जा सकता था। एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। अगर आप अपने माता पिता को कहो कि हमें मुंबई जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो शायद माता पिता मना कर देंगे। यही चीज उसके साथ थी, क्योंकि पैसे से मजबूत नहीं था। घर जाता है, अपनी माँ से बात करता है और कहता है, माँ मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे वहां पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहां हमारे लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री है। उसकी माँ कहती है, ना बेटा नहीं जाना। उसकी माँ बीमार थी, कमजोर थी, बूढ़ी थी। अगर बेटा चला गया तो शायद जब वो भविष्य में वापस आएगा तो मिलने की उम्मीद नहीं थी। खैर बार बार प्रयास करता है, बार बार बोलता है, जिद करता है, तो उसकी माँ कहती है, ठीक है चला जा। ऐसा तो कोई भी माँ बाप बोल देगा, ठीक है कर ले जो करना है। वो तो उसके लिए परमिशन थी, हाफ हार्टेड कंसेंट था, वो चल देता है। उसका बड़ा भाई जॉन उसकी मदद करता है, उसे कुछ पैसे देता है, कुछ कपड़े देता है, लेकिन वो वास्तव में पर्याप्त नहीं था। वो अपनी यात्रा शुरू कर देता है, यात्रा शुरू करता है, पैदल ही चल देता है। ना रास्ते का पता, ना रेलगाड़ी का पता, ना बस का पता, ना एड्रेस का पता, कुछ पता नहीं। चल दिया अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज थी, संघर्ष। किसके लिए? शिक्षा के लिए। करना है, पढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है, अपनी माँ को जवाब देना है। चल देता है, लोगों से लिफ्ट मांगता है, कभी बैलगाड़ी में बैठ जाता है, कभी किसी की कार में बैठ जाता है। इस तरह करते करते बहुत दिनों के बाद वो कहाँ पहुंच जाता है? रिचमंड पहुंच जाता है। जब वो रिचमंड पहुंचता है तो वो वहां पर एक जैसे पुल होते हैं, पुल के अंदर साइड वॉक बनी होती है, साइड वॉक यानी जिसके ऊपर लोग चलते हैं, पगडंडी जिसको बोलते हैं, उसके नीचे सो जाता है रात को। क्योंकि जब वो किसी के घर पर जाता था रात बिताने के लिए तो लोग पैसा मांगते थे, पैसा था नहीं। तो अचानक ही एक दिन सुबह को उसकी आंख खुलती है एक बहुत बड़े बंदरगाह पर। जब वो बंदरगाह में अपनी आंख खोलता है तो सोचता है, मैं कहां गया, मुझे तो वहां जाना था। खैर लेकिन उस बंदरगाह पर एक बहुत बड़े शिप का जो शिपमैन होता है वो उसके पास आता है, कह रहा, घबराओ मत, रात को जब मैं वहां से जा रहा था तो तुम सड़क के बिल्कुल बीचों बीच पड़े थे, मेरी गाड़ी के नीचे आ जाते तो मैं तुम्हें उठा कर ले आया, कोई तुम्हें कुछ उनका चला जाता। उसने कहा, अच्छा थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरा मकसद यहाँ नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के अंदर है।
लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। उसने कहा ठीक है काम करो, अगर तुम चाहो तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो, आप काम करोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो आगे की यात्रा आराम से हो जाएगी। आगे का पार्ट अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।